प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रचार के दो ही दिन शेष बचे हैं और इसी कड़ी में जोधपुर सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार वैभव गहलोत हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने गजेंद्र सिंह शेखावत को मैदान में उतारा। इसी के चलते जोधपुर सीट इन दिनों चुनावी की हॉट सीट बन चुकी है और इसी को लेकर जोधपुर के कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत से हमारे संवाददाता दयाल सिंह ने खास बातचीत की। आप भी सुनिए क्या कुछ खास कहा। राष्ट्रीय कांग्रेस के लोकसभा क्षेत्र जोधपुर के प्रत्याशी वैभव गहलोत आज हमारे साथ हैं, उनसे सीधी बात करेंगे। चुनाव प्रचार के दो दिन शेष बचे हैं, चुनाव प्रचार करके लोकसभा क्षेत्र पूरा अच्छी तरह से वैभव गहलोत अब जान चुके हैं, क्या समस्या है ये भी जान चुके हैं, लोगों का क्या मानस है ये भी जान चुके हैं। इस पूरे फीडबैक के बाद आज वैभव गहलोत से बात करेंगे, किस तरह की जीत के प्रति उनकी अस्वस्थता है, किस तरह से जीत उनकी झोली में आने वाली। वैभव जी बताइए, किस तरह से आपने पूरा लोकसभा क्षेत्र देख लिया है, अच्छी तरह से गांव गांव गली गली घूम लिए हैं और अब जो प्रचार है अंतिम चरण पर पहुंचने वाला है, किस तरह की जीत के प्रति आप अस्वस्थ हैं? जनता का जो आशीर्वाद, जनता का समर्थन, युवाओं का साथ जो मिल रहा है, मैं मानता हूं कि जनता मानस बना चुकी है कि आगामी 29 तारीख को कांग्रेस को समर्थन देना है और जिस तरीके के हालात हैं जनता खुद मान चुकी है कि सांसद महोदय विकास के ऊपर बात ही नहीं करना चाहते। खुद मीडिया वालों ने अभी चार दिन पहले जब उनसे पूछा कि आप विकास के कौन सा ऐसा काम है जिसकी वजह से आप आज वोट मांग रहे हैं, तो खुद उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई बात करनी होती है क्या। अभी जो जोधपुर के आपने पूरा जोधपुर जिला घूम लिया है, लोकसभा क्षेत्र देख लिया है, बड़ी समस्या कौन से सामने आई? यहाँ पे चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण इलाका हो, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। गांव धाणी में अभी बिजली की आपूर्ति भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, पानी की समस्या है, सड़कें टूटी हुई हैं, और चाहे शहरी क्षेत्र हो, यहाँ भी कई कॉलोनियों में कई लिंक रोडों पे भी सड़कें टूटी हुई हैं, उन सब पे मेरा विशेष फोकस रहेगा। ये जो लोकसभा चुनाव है, कहा जा रहा है कि आपको जो विरासत में राजनीति मिली है, साथ ही जो जिस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं, एकदम प्रेस राजनीति है, आप पहली बार आपको एक चुनाव लड़ने के लिए और वो भी सीधा सबसे बड़ी जो देश की लोकसभा है उसके लिए, क्या कहना चाहेंगे? 15 साल, मैंने पहले भी कहा, 15 साल मैं पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद पार्टी ने मुझे मौका दिया। मैं चाहे प्रभारी रहा धौलपुर जिले का, मैं को PCC का सदस्य मैं रहा, मैंने तमाम चुनाव में तमाम क्षेत्रों में पार्टी के लिए काम किया, सक्रिय भूमिका निभाई, पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाई, चाहे जोधपुर हो चाहे दूसरे क्षेत्र हो, जोधपुर का नगर निगम चुनाव से लेके लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, इन तमाम जगहों पे पार्टी कार्यक्रमों में हमेशा सक्रिय। मैं कोई विदेश से काम धंधा करके नहीं आया कि मैंने अचानक आके यहाँ टिकट मुझे मिला हो, ना मैं यहाँ पे कोई सीधे की बात आरोप नहीं है मेरा, मेरा सीधा सा एक सवाल है कि आप एकदम प्रेशर है, पहले बार एक चुनाव लड़ रहे हैं, सीधा एक चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी लोकसभा का बड़ा, एकदम बड़े जो कह सकते हैं केंद्रीय मंत्री है उसके सामने लड़ रहे हैं, किस तरह का अपने आपको जो शक्ति है वो मिलती है आपको और किन से मिलती है, किस शक्ति के बल पर आप ये चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, जनता की शक्ति है, जनता का आशीर्वाद है मेरे साथ, कार्यकर्ताओं की टीम है, कार्यकर्ताओं की शक्ति है, तमाम जो पार्टी के सीनियर नेता हैं जोधपुर में, उन सब की शक्ति के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी जीत कितनी सुनिश्चित है? 100%। ये थे वैभव गहलोत, जो आज ही जोधपुर की सीट को अपनी झोली में पाते हैं और जीत को सुनिश्चित मानते हैं। दयाल सिंह, A1 TV, जोधपुर।